जिस तरह की इनिंग वो खेलता है और वो क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है और उसकी अगर आप हुक पुल देखें तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों ये हम दिखा रहे हैं, चेक कीजिएगा, इतनी अच्छी हुक पुल कोई नहीं। बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेलते हैं लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं खेलते हुए, और इसीलिए जब वो खेलता है तो बैठ के बंदा देखता है कि नहीं यार खेलता है। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है। सवेरे देखें, एक अपने मुल्क के लिए खेलना खेलना एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना, फिर कप्तान बनना, सीनियर बनना एंड देन फिर कप्तान बनना और फिर एक ट्रॉफी, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कप्तान के लिए, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और उसने एक मारने के बाद ये नहीं कि वो बैक ऑफ करे, जस्ट केप्ट हिटिंग हिम, उसने कोशिश की कि बस एक दो ओवरों में जो गेम है ना उसको इतना बड़ा उस ओवर में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। रोहित शर्मा की आप बात सुने, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब कोहली से स्कोर नहीं हो रहा था तो वो सवाल करते थे जी कितना चांस देना, और तो वो कहते उसके बारे में पूछ रहे हो, वो इस तरह का जवाब देता था कि कोहली के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये आप मैं अक्सर सुनी उसकी बात, तो वो उसको पता था रोहित शर्मा को खुद बहुत बड़ा प्लेयर था, उसको पता था कि कोहली क्या चीज है। हाँ जी, वो ऐसे उनके लिए जैसे सिंगल लेते हैं बाकी बैटर्स, उनके लिए जो है ये देखें। तो यूसुफ भाई, आप अगर हम बात करें रोहित के इंटेंट की, रोहित ऐसा नहीं नजर आता कि हर गेंद को मारने जा रहे हैं और मार धाड़ कर रहे हैं, बड़ा कूल एंड काम नजर आते हैं, बड़ी क्लीन एंड नीट हिटिंग करते हैं, लेकिन एक दफा मोमेंटम अप कर देते हैं, रिस्क भी होते होंगे उसके अंदर, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। देखिए, जिस तरह की इनिंग वो खेलता है और वो क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है और उसकी अगर आप हुक पुल देखें तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों ये हम दिखा रहे हैं, ये चेक कीजिएगा, इतनी अच्छी हुक पुल कोई नहीं करता ये चेक। हालांकि अगली टांग पे होता है, ये मुश्किल होता है जी, लेकिन ये पता नहीं क्या करता है कि उठा देता है आगे से, देखिए कहाँ से उठाया, एक्सटेंड हो रहे हैं उसके हाथ, एक्सटेंड हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, अगर हाथ एक्सटेंड ना हो तो ये कैच हो जाए। ओके, तो ये स्टांस है इनका, न्यूट्रल स्टांस, और अब पुल की तरफ जाएंगे। अभी भी देखिएगा, इतनी लंबी टांग से पुल मारना आसान नहीं है। ओके, देखिए ये देखिए, हाथ पूरे खुल जाते हैं उसे एक्सटेंड कर लेता है। यामिन भाई, यूसुफ से एक सवाल पूछ सकता हूँ? यूसुफ, अगर ये जिस तरह पांव आगे बेंड, जिस तरह आप कह रहे हो कि ये मुश्किल शॉट होता है मारना, अगर ये ही ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन पिचेस होती तो क्या ये आगे पांव पे मारते, पीछे जाता? पीछे जाना चाहिए वहाँ, लेकिन अगर इसकी ये प्रैक्टिस है, जिस तरह वो आगे से ले लेता है बॉल, वो आगे से ले लेता है, अगर उधर भी ले ले तो मार सकता है, लेकिन टफ होता है क्योंकि उधर थोड़ा बाउंस होता है, तेज आता है बनिस्बत यहाँ से, लेकिन इतनी लंबी टांग पे पुल और हुक करना ऐसे और वो छक्का होना, इसका इसकी प्रैक्टिस बहुत देखे ना, उसके पूरे हाथ खुल जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते, ऐसे हो तो फिर चांस आउट मुश्किल हो जाए, ये हाथ खुल जाते हैं उसके। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, वो कोहली जब भी आया वो जरा आराम से खेलता है, 90-80 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, लेकिन बाकी सारे उस पेस को लेके चल रहे होते हैं जिस पेस पे उनकी बात हुई होगी टीम मीटिंग में, कोच से, कप्तान से, सब ने मिल के जो प्लान किया होगा, बाकी सब वैसे पेस लेके चलते हैं और उसको टोन को सेट करता है रोहित। बिल्कुल, जब भी आया बैटिंग करने वो ऐसा सेटअप करके जाता है कि पूरी टीम उसके पीछे चल रही होती है और कमाल खेल रहा है। मेरा मकसद है कि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है वो उसने सही लीड किया है अपनी टीम को। बिल्कुल, बड़ा बड़ा क्लैरिटी और बड़ा फोकस लाला इस बात का है कि जब ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रोहित शर्मा ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप इतने साल जब खेलते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप अपनी कैबिनेट में देखते हैं कि एक ट्रॉफी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये दिस वुड बी सपोजिटली द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर रोहित शर्मा, एज इज नॉट ऑन हिज फेवर, फिटनेस भी नहीं इतना ज्यादा, शायद विराट कोहली फिर पुश कर जाए खेलने के लिए, बट रोहित शर्मा के लिए मुश्किल है। तो एक ये जो क्लैरिटी और डेडिकेशन है वो बहुत ज्यादा वाजे है, स्पेशली इस वर्ल्ड कप में तो बहुत ही ज्यादा वाजे, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज हंड्रेड्स, पिछले में 500 बनाए थे, इसमें ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। सवेरे देखें, एक अपने मुल्क के लिए खेलना खेलना एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना, फिर कप्तान बनना, सीनियर बनना एंड देन फिर कप्तान बनना और फिर एक ट्रॉफी, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कप्तान के लिए, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। जिस तरह की क्रिकेट वो खुद खेल रहा है या टीम को लेके चल रहा है, तो आई मीन कि ये ट्रॉफी सिर्फ इसकी नहीं होगी, रोहित की नहीं होगी, ये पूरी इंडियन टीम, पूरी नेशन की होती है। तो देखिए ऐसे किया गया, बिल्कुल, और 2007 वो वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों लीग मैचेस से बाहर हुए थे, वहां से हमने एक टर्न अराउंड देखा इंडिया की टीम में,
2011 में वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने। और जहां एक वो बात आई कि नहीं जी फास्ट बॉलर्स नहीं आते, स्पिनर्स पे डिमांड है और बैटर्स तो ज़बरदस्त होते हैं, सो फास्ट बॉलर्स के लिए एक खास अकेडमी बनाई गई। उस अकेडमी में पहले एक फॉरेन कोच को ला के रखा गया, उस फॉरेन कोच ने उसमें काम किया, अब उस अकेडमी में लोकल कोचेस काम करते हैं। एंड अब फास्ट बॉलर्स की भरमार देखें आप इंडिया में। बिल्कुल ठीक है, जैसे शाहिद ने कहा उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, प्लान्स किए हैं। आप देखें डेनिस लिली को उन्होंने मेरा ख्याल 6-7-8 साल MRF की जो एक अकेडमी थी उसमें रखा हुआ था, एंड आई एम अ विटनेस फॉर दैट। एक्चुअली मैं उधर ही था तब, वो IPL में ना दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ एग्जैक्टली उधर इन्होंने देखा जितने भी इनके यंग फास्ट बॉलर होते थे ना वो उसके पास डेनिस लिली के पास ऑफ सीजन भेजते थे। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए। इन्होंने प्लेयरों को पैसा दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट को पैसा इतना दिया कि वो अपना अच्छी लिविंग के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, उनकी फैमिली अच्छी लिविंग के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि जी ऑल द लीग्स आर स्टॉप बैन बंद, 4-day cricket उन्होंने सारे इंडियन बैट्समैन पर जारा भी। आपका ये जो चौथे नंबर पे खेलता है क्या नाम है उसका, यूसुफ जो छोटे से कद का वाइस कैप्टन रहाने, वो हैम्पशायर से खेलता है, पुजारा ससेक्स से खेलता है, जिसको मौका मिलता है 4-day cricket वो खेलते हैं। 1-day का कोई ब्लास्ट हो, 20-20 ब्लास्ट हो या हंड्रेड्स हो या कोई क्रिकेट दुनिया की बिग बैश हो, कोई नहीं खेलते। पता क्यों? वो अपने 4-day cricket अपने यंग जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उनके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपने यंगस्टर से, जैसे शायद कहता है कि जब आपके बड़े प्लेयर ड्रेस रूम शेयर करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आके, उनकी क्रिकेट भी इंप्रूव होगी। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए हैं। इन्होंने फाइनेंशियली अपने प्लेयरों को तगड़ा किया है डोमेस्टिक के, और इन्होंने अपने प्लेयर को बैन किया है कि नहीं भाई यू नॉट सपोज टू अलाउड एनी प्लेइंग एनी लीग, concentrate on IPL and you get lots of money, but yes. concentrate winning matches for India and results speaks themselves today. Results बात कर रहे हैं। अच्छा मैं यूसुफ भी आपके जाने बढ़ूँ, लेकिन लाला एक कमेंट, रोहित के क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं एज ए कैप्टन, एक और क्रेडिट क्या हम मानते हैं इस बात को कि क्रेडिट ये भी जाता है क्योंकि जिस तरीके से विराट की कैप्टनसी गई और उसके बाद टीम के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से विराट को साथ लेकर चला रोहित, नए लड़कों को सीनियर्स को साथ लेकर चला और वो कैप्टेंसी की लड़ाई नहीं छिड़ने दी, वो जंग नहीं छिड़ने दी, टीम का माहौल बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है, बाहर के सब लोग एक मकसद के लिए खेल रहे हैं। इश्यूज़ आ रहे थे, इश्यूज़ हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीज़ें, उन्हें आती हैं मैनेज करना। जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं ना और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीज़ें सब होती हैं। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी भी देते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, हमें अपना काम के बजाय दूसरे का काम नजर आ रहा होता, हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम के जवाब दे के बजाय दूसरे के कामों के अंदर हम दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यार आपको जो काम दिया आप उसी डोमेन में रह के करो ना आप सारे काम, हमें दूसरों के कामों का इशू क्यों है, हम अपने काम के जवाब दे क्यों नहीं है, और होना चाहिए मैं अपने काम के जवाब देना। इट्स ऑल अबाउट सीनियर मैनेजमेंट, उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चले, वो बहुत प्रोफेशनल हो गए जी इन मामलों में। मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं होगा कि दिल में जो आ जाती है रिफ्ट तो हो जाती है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी अब जो है शायद रोहित या विराट बहुत बडीज हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे, कहीं होगा एक ना एक, मगर वही जिस तरह उसको मैनेज किया गया यूसुफ, शायद बड़ों का काम इतना इंपॉर्टेंट था, जिस तरह मैं सौरभ गांगुली की भी पहले भी इस शो में एग्जाम्पल दी थी, BCCI के साथ उनका वो नहीं किया, रिन्यू नहीं किया उनका, जिस तरह अग्रीमेंट जो भी था वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया, रॉजर बिनी आ गए, रवि शास्त्री का इशू हो गया था विराट कोहली के साथ, वो मतलब वो उन इश्यूज को उस तरह, वो कहते हैं ना आग नहीं लगी उन इश्यूज पे, मीडिया में आके कोई बैठा नहीं, उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा नहीं, हमने MS धोनी और युवराज का हमेशा से पता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बट कभी भी किसी ने आके एक दूसरे को ऑन मीडिया बैश नहीं किया। अच्छा इसमें आप देखिए कि अभी जितने भी नाम लिए ना सब प्लेयर हैं, कोई हल्का प्लेयर इसमें आपको नजर नहीं आएगा, किसी हल्के प्लेयर ने भी बैश नहीं किया, वही कह रहा हल्का तो था ही ना कोई जिसको ऊपर लाए, इंडिया में कोई हल्का था ही नहीं, ऊपर कोई नहीं आया ऐसा, मुझे बताएं कौन आया, कोई एक नाम बताएं, मैं सोचूंगी। हाँ सोच ले, आप सोच रही है कि मैं नहीं, आप जवाब दीजिए, मैं सोच रही हूं, सोचना शुरू हो गया। ऐसा कोई प्लेयर मैंने नहीं अभी तक देखा जो हल्का प्लेयर ऊपर आया हो। एक तो ये मैं जो बार बार 2007 की बात करता हूँ, वो फिर सबको शौक शुरू हो जाता है कि मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। देखिए इंजमाम भाई जब गए, जब तक वो रहे ना बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा, कोई मसला नहीं हुआ, जैसे ही वो गए हैं ना ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, क्योंकि सबके चांस बनना शुरू हुआ, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। हो सकता है उनके इंडिया की मैनेजमेंट ने ऊपर वालों ने अच्छा उनको संभाला हो, लेकिन अगर रोहित शर्मा की आप बात सुने, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कोहली से स्कोर नहीं हो रहा था तो वो सवाल करते थे जी कितना चांस देना, और तो वो कहते उसके बारे में पूछ रहे हो, वो इस तरह का जवाब देता था। अच्छा कोहली के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये आप मैं अक्सर सुनी उसकी बात, तो वो उसको पता था रोहित शर्मा को खुद बहुत बड़ा प्लेयर था, बिल्कुल उसको पता था कि कोहली क्या चीज़ है, तो ठीक है डिसीजन तो बड़ों ने लेने, अगर उसको कप्तानी से उन्होंने हटाया है
तो रोहित को जिसने बनाया वो बड़ों का डिसीजन था। डिलीवर्ड बाय रोहित शर्मा द स्किपर हिमसेल्फ, जिन्होंने मैच का रियली टोन जो है वो आज सेट किया इन दैट पावर प्ले, ही रियली वेंट आफ्टर मिचेल स्टार्क। बाजित, यू नो, परहैप्स द इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। बिल्कुल, मेरे लिए तो इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट, जब रोहित शर्मा खेलता ना तो ऐसे चस आ जाती है, जो आज उसने एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग। आप सिर्फ नंबर्स देख लें, पहले 5 ओवर में 52 स्कोर होता है और 50 इसका है, और खेला कितनी बॉल है 19, मतलब सामने 11 बॉलें हुई हैं और सिर्फ 2 रन हुए, तो वो अकेला ही मैच, उस वक्त अकेला ही मैच ले गया। और वो बात यही हो रही थी कि शायद इस वक्त सबसे साजगार सिचुएशन थी बॉलिंग करने के लिए, थोड़ा सा मॉइस्चर है, बट जिस किस्म का उसने अटैक किया और जिस किस्म की वो इनिंग खेल गया है, अगर ये इंडिया मैच हार जाता तो बहुत अफसोस होता, क्योंकि ये इनिंग्स बिल्कुल ही ज़ाया हो जाती, और ये हाईएस्ट ऑर्डर की इनिंग्स थी। रोहित शर्मा काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी देर बाद लगा है कि वो वापस आया है, हिटमैन जो आया, बट बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेलते हैं लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं खेलते हुए, और इसीलिए जब वो खेलता है तो बैठ के बंदा देखता है कि नहीं यार खेलता रहे। नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि जो उनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी है शुएब, आई मीन लिटरली मेकिंग द मोस्ट ऑफ दैट पावर प्ले, ही हिट्स सिक्सेस एट विल। हाँ जी, वो ऐसे उनके लिए जैसे सिंगल लेते हैं बाकी बैटर्स, उनके लिए जो है ये देखें, तीन चार चीज़ें ऐसी हैं कि जो बाकी लोग हैं उनको भी, जो लीडर्स हैं और वो ओपन करते हैं, उनको भी ये सीखना चाहिए कि उनके सामने जिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपकी टीम, वो आउट हो गया जीरो पे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, बहुत क्लैरिटी है यहाँ पे, और वो क्लैरिटी जो है वो आपको सक्सेस दिलाती है, और वो ऐसी सक्सेस दिलाती है कि जो बाकियों को नहीं दिलाती, तो इसीलिए ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज हेड कि दैट्स हाउ आई एम गोना प्ले, और वो आज उन्होंने दिखाया भी कि मैं खेलूंगा। उनको पता था कि ये ऐसा वेन्यू है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग जो है वो मैचेस हो रहे हैं, और जल्दी से अडैप्ट की चीज़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अडैप्ट करें कि जहाँ पे अब वो जैसे न्यूयॉर्क में थे वो टफ थी, फिर उसके बाद उनका फर्स्ट मैच था यहाँ इंडिया का सेंट लूसिया में, पिछले प्रीवियस टूर्स में वो जरूर खेले होंगे लेकिन इस वर्ल्ड T20 का फर्स्ट मैच था, ही असेस्ड द कंडीशंस एंड ही प्लेड अकॉर्डिंगली। That's true. It was, conditions were made for him as well. Lekin he also targeted supposedly their best bowler, which is Mitchell Starc. I mean, the fact that he really went after him and attacked him, it was clear, Misbah, ki unko koi parwah nahi hai ki samne kaun bowling kara raha hai. Ye to mujhe yakeen nahi hai ki unhone Mitchell Starc ko target kiya ya Mitchell Starc ne Australia ko target kiya hai. Kyunki nahi, but aapko credit to dena padega na. It was strange the way he bowled those balls. I mean, every ball in the slot, full toss, fuller, full toss, fuller. And yes, he just basically kept bowling there. But Josh Riddle की रूह आ गई थी आज। Josh Riddle। खब्बे जानु पे हैं इन्हें। खब्बे बहुत, बस इस टूर्नामेंट में खब्बों के खिलाफ हैं आप सब। बिल्कुल। और भी खब्बे हैं जिनके बहुत ही खिलाफ हैं। नहीं नहीं। हम टीम में कहते हैं ना जब कोई इस तरह का काम करता है, कल ही हो जा। कल ही हो गया। So it was strange. I mean, he never just tried to pull the length back. मॉइस्चर है, अगर दूसरी तरफ से हेजलवुड बॉल कर रहे हैं ठीक है, वो डिफरेंट बॉलर हैं, लेकिन एक ओवर आपने कर लिया, स्विंग नज़र नहीं आया, आप थोड़ा सा लेंथ पे बॉल को हिट करते हैं, क्योंकि वो बॉल ऑफ द सीम कुछ ना कुछ हो रहा था, इतना आसान नहीं था खेलना, बट उन्होंने ही जस्ट केप बॉलिंग 2 ओवर्स, और जिस ओवर में छक्के पड़े हैं उसमें हर बॉल स्लॉट में था, बट ऑब्वियसली क्रेडिट टू रोहित शर्मा, इतनी पेस पे जब बॉल आता है, इवन फुल टॉस भी हो तो आपको एक तो सबसे पहले आपने ये इनिशिएटिव लेना कि मैंने आई विल गो आफ्टर हिम, और उसने एक मारने के बाद ये नहीं कि वो बैक ऑफ करे, ही जस्ट केप्ट हिटिंग हिम, उसने कोशिश किया कि बस एक दो ओवरों में जो गेम है ना उसको इतना बड़ा उस ओवर में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, पूरी गेम में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि वो संभलते संभलते पूरे 40 ओवर लग गए। उसकी इतनी इंपैक्टफुल इनिंग है ये वाली कि उसने ऑपोजिशन के जो बाकी बॉलर्स थे जैसे पैट कमिंग्स थे, उन्होंने आके बॉलिंग करनी थी, हेजलवुड स्मार्ट थे, वो उस जगह से नहीं हिले 6-8 मीटर वाली लेंथ से, लेकिन वो ओवर जब मिचेल स्टार्क का लगा है तो उन्होंने पैट कमिंग्स के भी दिमाग में ये डाल दिया कि आप आ रहे हो, आप डेथ ओवर्स वाली बॉलिंग करना मुझे, ये पिच की यूटिलाइजेशन वाली जगह पे नहीं फेंकने दूंगा, डेथ बॉलिंग करो मुझे, उन्होंने मजबूर किया। तो ऐसी इनिंग्स जो है वो सिर्फ शुरू में तो हमें नजर आ रही है, लेकिन ये जो 205 रन बने हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस इनिंग्स की वजह से और वो स्टार्ट की वजह से बने। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आप
पाकिस्तानी जो पैनलिस्ट है उनके ओपिनियन के ऊपर क्या राय रखते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने भी रोहित शर्मा की इतनी भर के तारीफ़ करी है और वह डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उन्होंने अभी हमें वर्ल्ड कप भी जिताया है। उनकी जो कप्तानी और बैटिंग है वो सबसे अलग है और इसी के ऊपर शाहिद अफरीदी और जो वहाँ के पैनलिस्ट है वो सब बात कर रहे हैं। जैसा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया का वर्ल्ड कप में मैच हुआ था उसके अंदर रोहित शर्मा ने 92 रन बनाए थे, उसी के ऊपर बात करते हुए जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो रोहित शर्मा की बैटिंग है वो देखते रहने का मन करता है। और हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है और आपको कौन से खिलाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी पैनलिस्ट का रिएक्शन चाहिए, यह भी हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए वह वीडियो ला सकें। और जैसा कि हमने इस वीडियो में भी देखा कि कैसे पाकिस्तानी पैनलिस्ट इंडियन प्लेयर की हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं क्योंकि वह डिजर्व भी करते हैं और उन्होंने अभी हमें ट्रॉफी भी जिताई है, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। जय हिंद, वंदे मातरम। yeah.